भारतीय नौसेना का मुरीद हुआ बुल्गारिया। बंधकों को छुड़ाने पर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का बहुत आभार। बुल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन राडव ने यह धन्यवाद दिया है। अरब सागर में बंधकों को छुड़ाने के लिए आभार किया गया है। जो ऑपरेशन चलाया गया भारतीय नौसेना की तरफ से, इस ऑपरेशन को का आभार जताया प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया बुल्गारिया ने। समुद्री लुटेरों से नौसेना ने बुल्गारिया की शिप छुड़ाई थी जिसमें 7 बुल्गारिया के नागरिक भी थे। और पीएम ने बुल्गारिया के राष्ट्रपति को कहा, शुक्रिया आपके संदेश की तारीफ करता हूं, खुशी है कि साथ बुल्गारिया के नागरिक सुरक्षित हैं, जल्द ही सभी 7 लोग घर लौट आएंगे। भारत नेवी की आजादी की रक्षा करने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती और आतंकवाद से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक घंटों तक ये ऑपरेशन चला, उसके बाद C-17 से कैसे एयर ड्रॉप किया गया मार्कोस कमांडोज को उसी शिप पर जो जिसका अपहरण किया गया था। और ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसे अंजाम तक पहुंचाया गया। 17 बंधकों को छुड़ाया गया जिसमें बुल्गारिया के भी नागरिक थे, इसलिए बुल्गारिया की तरफ से ये आभार प्रधानमंत्री मोदी की ओर जताया गया है। और अब ये दूसरी तस्वीर भी देखिए, बोट के साथ साथ मार्कोस कमांडो को भी आसमान से समंदर में पहुंचाया गया C-17 विमान से। अटैक बोट गिराने के बाद मार्कोस कमांडोज को भी एयर ड्रॉप किया गया। मार्कोस कमांडो ने समंदर में पहुंचने के बाद बेहद कम समय में अटैक बोट को ढूंढा, उनको एक्टिव किया और अपनी पोजीशन ले ली। अस्सी घंटे तक दरअसल ये ऑपरेशन चलाया गया था। और कैसे मार्कोस कमांडोज कूदते हुए इस शिप में दिखाई दे रहे हैं। एक और तस्वीर एक्शन की आपको दिखाते हैं। सोमालियाई डाकुओं ने जिस जहाज का अपहरण किया था उसमें माल्टा का झंडा लहरा रहा था और ये भारतीय तट से करीब 2600 किलोमीटर दूर था। इसमें 37,800 टन माल लदा हुआ था जिसकी कीमत करीब $1 मिलियन बताई जा रही है। नेवी का हेलीकॉप्टर लगातार इस जहाज के ऊपर मंडरा रहा था। समुद्री डाकुओं के अलावा डेक पर बंधक बनाए गए 17 लोगों को साफ साफ इसमें देखा जा सकता है। और जानकारी मिलते ही INS कोलकाता इस जहाज के बिल्कुल पास पहुंच गया था, फिर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया।